Good morning to all of you. In our last video, we already started our exercise and we already discussed about very short answer type questions. ठीक है, very short answer type questions के बारे में अपन पहले ही discuss कर चुके हैं. ठीक है, and इसके अलावा अपने जो short answer type questions है, first we have completed. Okay, so now today we are going to discuss about our next question, that is how is locomotion brought about in humans. ठीक है, अपन ने देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन ने बात की थी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको लोकोमोशन की नीड क्यों होती है, तो इसका अपने को रीजन बताना है. ठीक है, तो ये अपन पहले ही मतलब डिस्कस कर चुके हैं. अभी अपन बात करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स होती हैं उनमें लोकोमोशन जो है वो कैसे होता है. सो नाउ एज यू कैन सी हियर, locomotion is brought about in humans with the help of one pair of hind limbs. ठीक है ना, जो one pair of hind limbs होते हैं, जैसे मतलब जिसको आप normally समझ सकते हो कि आपके जो legs होते हैं, human beings में legs होते हैं move करने के लिए, तो उनसे ये क्या करते हैं, move करते हैं. Okay, now our next question is, next we have, how is locomotion different from मूवमेंट. ठीक है, जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट से किस तरह से डिफरेंट है. ठीक है, सो नाउ नाउ एज यू कैन सी हियर, लोकोमोशन मींस चेंज ऑफ प्लेस, वन प्लेस टू अनदर. लोकोमोशन का मेन क्या हो गया, अपना प्लेस चेंज करना, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करना, अपना प्लेस चेंज करना, ये तो क्या हो गया, लोकोमोशन. ठीक है, नाउ व्हाइल मूवमेंट मींस नॉट नेसेसरी चेंज टू प्लेस, लोकोमोशन जब भी होता है इट मींस उसमें कंपल्सरी है कि उसका प्लेस जो है वो चेंज हो रहा है, बट मूवमेंट में ये कंपल्सरी नहीं है कि इसका जो प्लेस है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आई लीड्स इन मोमेंट, क्योंकि देखो अगर आप अपने स्कूल से हाउस जा रहे हो या फिर हाउस से स्कूल आ रहे हो तो वो क्या हो गया, आपका लोकोमोशन हो गया. बट जैसे आप क्लास में बैठे हो तो आपकी आईज भी मूव कर रही है. ठीक है, आप वर्क भी कर रहे हो तो ये क्या हो गया, ये मूवमेंट हो गया, बट नॉट लोकोमोशन. जैसे आई, जैसे मूवमेंट में तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो आईज मूव कर रही है वो भी क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, बट लोकोमोशन में ऐसा नहीं होता है. ओके, सो नाउ our next question is, how does locomotion take place in an earthworm and snail? अभी अपने को क्या बताना है, अभी अपने को बताना है कि जो locomotion है earthworm and snail के अंदर, ठीक है, वो कैसे होता है. ओके, सो नाउ ओके नाउ एन अर्थवर्म मूव्स बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी. ठीक है, जो अर्थवर्म है वो कैसे मूव करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके, उसकी बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है. ठीक है, बॉडी इन फ्रंट एंड फिक्सेस इट, फ्रंट से उसकी बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है और इसकी बॉडी को फिक्स करती है. देन पुल्स द रियर बॉडी, और उसकी जो पूरी बॉडी है वो उसको आगे की तरफ पुल्स करता है. ठीक है, नाउ स्नेल मूव्स, और स्नेल में क्या होता है, वेरी स्लोली, स्नेल में जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स शॉर्ट थिक फुट. ठीक है, इसके जो सॉफ्ट एंड थिक फुट होते हैं उनकी हेल्प से ये मूव करता है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ए कॉकरोच मूव, जो कॉकरोच है वो कैसे मूव करता है, या फिर उसमें लोकोमोशन कैसे होता है. देन ए कॉकरोच हैज टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स.
ठीक है, टू पेयर्स के तो क्या होते हैं उसमें विंग्स होते हैं, एंड थ्री पेयर्स के होते हैं लेग्स होते हैं। इट कैन वॉक, जिससे वो वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, एज वेल एज फ्लाई, और ऐसे ही वो फ्लाई भी कर सकते हैं। इन द एयर, एयर में फ्लाई कर सकते हैं, लैंड पे वॉक कर सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम्स है उन उसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो नाउ एज यू कैन सी, अब देखना है अपने को स्केलेटन जो है, स्केलेटल जो है वो कौन कौन से फंक्शंस करता है। सपोर्ट द बॉडी, अपनी बॉडी को सपोर्ट करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन होता है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन इंटरनल ऑर्गन्स, और अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी टाइप से डेफिनेट शेप एंड शेप टू द बॉडी, और इसके अलावा ये हमारी जो बॉडी है उसको डेफिनेट शेप देता है, इनेबल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को इनेबल करता है एंड जो डेवलपमेंट है उनको उनमें हेल्प करता है, एक्ट एज ए साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, द स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, पार्टिकुलरली कैल्शियम। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है, मिनरल्स एंड कैल्शियम जो होते हैं उनको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ए फिश स्विम। अब अपन बात करेंगे कि जो फिश है उसमें वो स्विमिंग कैसे करती है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें लोकोमोशन कैसे होता है। ठीक है, सो नाउ एज यू कैन सी हियर, फिश हैव एन एयर ब्लैडर इन देयर बॉडीज। फिश क्या करते हैं, इनकी बॉडीज में एयर ब्लैडर होते हैं दैट हेल्प्स इन स्विमिंग, द होल बॉडी इज मस्क्यूलर एंड हैज लैटरल फिन्स। ठीक है, उनकी पूरी जो बॉडी होती है उसमें एयर ब्लैडर होते हैं, ठीक है, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, एंड पूरी जो बॉडी होती है वो मस्क्यूलर होती है, मसल्स उसमें होती है, एंड लैटरल फिन्स होते हैं, ए टेल होती है उसमें जो फिक्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। ठीक है, इनमें टैल होती है, टैल फिन्स होती है जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है, एंड चेंजिंग द डायरेक्शन, और उनकी जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। इसी टाइप से जो लैटरल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बॉडी मसल्स आल्सो हेल्प इन स्विमिंग, उनकी जो मसल्स होती है, बॉडी मसल्स होती है, उसमें लैटरल कॉन्ट्रेक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रेक्शन क्या करता है, इसकी जो मतलब बॉडी होती है उसको स्विम करने में हेल्प करता है। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके सो अबाउट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू।